तो शिरडी में ये है भाई हमारा होटल और ये है हमारा पार्किंग जहाँ हमने एकदम सेफ्टी से हमारी गाड़ी पार्क कर रखी थी। ये देखो लगेज मैंने पैक कर लिया है, अच्छे से कवर अप कर लिया क्योंकि आगे काफ़ी बारिश मिलने वाली है आज हमें। और ये टॉप बॉक्स भी हमने लगा लिया है, ऑल इज़ रेडी और रितेश भी रेडी हेलमेट लेकर अपना। तो यहाँ से अब हम टॉप चलने वाले हैं भीमा शंकर के लिए। अभी देखो मैं दिखाने वाला हूँ भाई, अभी चली है गाड़ी 703, दिख रहा होगा आपको, और टैंक तो अभी फुल है, देखते कहाँ तक पहुँचती है इतने टैंक में। चलो देखो भाई, साई प्रिया होटल से हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ सामने ही हमें मिलता है श्री साई संस्थान शिरडी भक्त निवास, जहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा रूम एक साथ ही अवेलेबल रहते हैं। ये देखें कितना बड़ा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो हमें जाना है भीमा शंकर के लिए। तो धीरे से शुरुआत की हमने सुबह सुबह के 7:30 हो रहे हैं और अब हम करेंगे पहले नाश्ता और लेंगे कॉफ़ी। तो भाई रश काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, सभी टूरिस्ट लोग निकल गए हैं जिससे जाना है भीमा शंकर की ओर, पूना की ओर। तो ये रोड यहाँ से पूना 200 किलोमीटर है और भीमा शंकर 180 किलोमीटर। देखो भाई कितना ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। सिंगनापुर के लिए भी यहाँ से गाड़ी लगी हुई रहती है, देखो गाड़ी लगी है शनि सिंगनापुर के लिए। तो रास्ते में हमें मिलता है श्री साई साउथ इंडियन पॉइंट और वहाँ हम लोग लेते हैं डोसा और सांभर वड़ा इडली। तो डोसा का प्राइस यहाँ पर 40 रुपये पर डोसा दिया जा रहा है और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो डोसा खाने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से भाई फिर से हमारे मंजिल की ओर, मतलब भीमा शंकर की ओर, जो हमने शिरडी से भीमा शंकर का ट्रिप प्लान किया है। ये जो आप देख रहे हैं स्कूप एंड स्माइल, यहाँ पर ही मैंने मेरे बेटे का मिताज का सेकंड थर्ड बर्थडे किया था। शिरडी से हम लोग अब निकल गए हैं, नाश्ता हमारा हो गया है, काफ़ी अच्छा टेस्ट था नाश्ते का। और ये देखो भाई 703 किलोमीटर का दिखा रहा है अभी। जैसे ही हम लोग शिरडी से निकले हमने ले लिया संगम नेर हाईवे, जो बोर्ड में अभी आपने देखा। और ये संगम नेर हाईवे शिरडी से एयरपोर्ट के पीछे से होते हुए जाता है, जो रोड हमें 180 किलोमीटर पड़ेगा भीमा शंकर शिरडी से। और अगर हम अहमदनगर होते हुए जाएंगे हाईवे से तो हमें 200-250 के करीब पड़ेगा। तो ज़्यादा बेटर यही है कि हमारा 50-60 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर हो रहा है संगम नेर से अगर जाते हैं तो। हालांकि यहाँ का रोड ये हमें दिख रहा है सिंगल ही दिख रहा है, तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, लेकिन चलते हैं संगम नेर हाईवे से। तो चलो भाई बने रहिए हमारे वीडियो में, आज का ब्लॉग यहाँ हमने स्टार्ट कर दिया है। सुबह के बज रहे अभी 8:10 और हम लोग निकल गए भीमा शंकर। तो देखते हैं आज कितना समय होने वाला है हमें इस जर्नी के लिए। तो Day 3 का ये जर्नी हम लोग आज जो देखने वाले हैं भीमा शंकर, और आज हमारा स्टे भीमा शंकर में ही होने वाला है। चलो भाई
हम पहुंच गए संगम नेर, और संगम नेर से अब है ये हाईवे। हम रुके रास्ते में, ये देखो ओम साई खावा केंद्र, यहाँ पर भाई दूध घोट के खोवा बनाने वाला है। और इनकी भट्टी देखो यार कितनी अजीब हो रखी है, नीचे लकड़ियाँ लगा रखी है और ये पम्प जैसा है कुछ। अरे देखो भाई दूध घोट रहे, क्या बन रहा भाई ये खोवा? कितना लीटर दूध है ये? 80 लीटर है। 80 लीटर दूध एक साथ ही घोटेंगे और बनाएंगे खोवा। देखो भाई हम लोग अभी हाईवे पर, और इसको क्या बोलते हैं ये इसको बॉयलर। इधर से इधर आ जाती क्या? तो ये भाप से बना रहे हैं दूध को खोवा। ये देखो इतनी बड़ी कढ़ाई में दूध, कुछ नया टाइप का देखने को मिला ये बॉयलर। तो संगम नेर हमने पीछे छोड़ दिया, ये है खनगांव, इन्हें किया उधर से बंद और निकाला इधर एयर। ये देखो पंप से निकल रहा है, बहुत प्रेशर से निकला, इन्होंने बताया नहीं, मैं पहले ही वीडियो ले लेता। ये देखो दोनों कड़ी में दूध रखा है और एक ही भट्टी में ये चला रहे दूध को घोट घोट के बनाने वाले खोआ। ये देखो भाई धुआ है पुणे 140 किलोमीटर दूर, और सामने जो नजारा हो रहा है, जो व्यू हो रहा है, इतना तारा हो रहा है, क्या बोलू आपको, सब नहीं है मेरे पास कुछ बताने के लिए। हम लोग है राइट ईयर और ये पुणे 140 मंचर आड़े फाटा, ये हमें पढ़ने वाला है। खूबसूरत नजारे के साथ रास्ता काफी खाली खाली सा लग रहा है, मौसम बहुत ही सुहाना हो रखा है ऊपर से, और बारिश आई नहीं है तो हमने जैकेट पहन लिया था पहले। यहाँ लिखा है कि यहाँ रुकना मना है, गाड़ियाँ सीधी यहाँ से निकाले, क्योंकि बरसात में यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होने की काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये देखो पत्थर पूरे टूटे हुए यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और रास्ते में राइड करने का हमें अलग ही मजा आ रहा है। ये देखो नीचे ये खाई, देखो भाई इधर ये देखो। तो ये हमने शुरू कर दिया हमारी घाटिया चढ़ना, और स्कूटर बर्गमैन से हम लोग ये पूरा राइड करने वाले हैं। आगे फिर से एक पहाड़ आ रहा है, ये देखो दो पहाड़ के चोटी से हम लोग यहाँ से टाइगर क्रॉसिंग करते हैं, तो आप स्लो चले। यहाँ पर पेरू ले रहा है रितेश, ज्यादा मत लगाना ना, मत 100 रुपए किलो। ये देखो भाई ये हमारी बाइक जिससे हम लोग राइड कर रहे हैं, और बहुत मीठा है और लाल भी है। ये देखो यहाँ पर मांजरवाड़ी और उसके ऊपर दिख रहा है भोसरी, मोशी और मंचर। ये भोसरी जो लिखा है ये हम लोग कभी कभी गाली भी देते हैं भोसरी के। शाली नीला समाते निषेत्यमान पिश्चिता शनैश सदैव भीमादि पद प्रसिद्ध द शंकर भक्त हित नमामि। तो भाई अब हम है हाईवे से भीमा शंकर रोड पर, और यहाँ से आप देख रहे हैं ये तड़े घर 42 किलोमीटर भीमा शंकर, 57 किलोमीटर तक जाए और बोलेगा 10-22 किलोमीटर की दूरी पर। अभी अभी हमने नायरा पेट्रोल पंप पर टैंक फुल की है, अभी हम है भीमा शंकर रोड पर। और ये देखो हमारे भैया हवा भरा और भरना, ये रितेश हमारे गाड़ी में हवा फिल कर रहा है भाई। ये देखो ट्रिप का हमारा पहला झरना हमें देखने को मिल रहा है। हम है भीमा शंकर रोड पर और काफ़ी प्यारा नज़ारा हमें व्यू रास्ते में देखने को मिला। घाटियाँ शुरू हो गई है और पहाड़ियाँ हमने चलना चालू कर दिया है। ये देखो एक के पीछे एक गाड़ी यहाँ से चढ़ना शुरू हो गई है, और रितेश निकाल रहा है चार्जर। अरे भाई यहाँ पर हमने की फोटोग्राफी, क्योंकि
ये बीच का हमारा पहला झरना है जो हमें देखने को मिला। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ पर हो रखा है और भीमा शंकर मंदिर यहाँ से फिर से 30 किलोमीटर हमें चलना है। रितेश कैसा लग रहा है तेरे को आपके यहाँ पे? एकदम क्लास। तो बहुत ही अच्छा व्यू के साथ हमने यहाँ पर फोटोग्राफी की। अब हम जाएंगे मंदिर की ओर। चलो मैं व्यू देखो भाई, व्यू धरन यहाँ से हमको दिख रहा है सामने और हम है अभी भीमा शंकर घाटी के ऊपर। घाट से हम लोग चढ़ रहे हैं और ये देखो हम जा रहे हैं। गाड़ी नहीं, यहाँ पर हिम्मत छोड़ दी इसलिए अप्पे खाने के लिए। अप्पे की शॉप हमको दिखी रास्ते में ही घाटी पर और यहाँ रुक गए हम लोग अप्पे खाने। रितेश आ गए क्या अप्पे? आ गए। और ये देखो भाई नीचे धान लगा रखी है पहाड़ के ऊपर। व्यू काफ़ी बढ़िया हो गया। और अब तो आ गए हमारे गर्मा गर्म एक प्यारा हो रहा था। सामने बारिश देखो इतनी जोर से हवा आ रही है कि हम लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं। तो देखो बारिश भी इतनी तेज हो रखी है और पूरा भाई गाड़ी नहीं चला सक रहे यार। इतनी ज़्यादा फॉग हो रखी है, इतनी तेज बारिश हो रखी है कि गाड़ी नहीं संभल रही है और हवा तो इतनी ज़्यादा जोर से चल रही है। देखो भाई इतना प्यारा सीन हो रखा है, पूरा फॉग ही फॉग देखने को मिल रहा है। आगे कोई भी गाड़ी नहीं नज़र आ रही, रास्ता नज़र नहीं आ रहा और बारिश बहुत तेज बारिश पड़ रही है। फिर भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं इसी बारिश में। ये देखो आगे से गाड़ी गायब हो चुकी है। देखो देखो फॉग ही फॉग है भाई। अभी यहाँ से है 20 किलोमीटर और हमें आगे चलना और रास्ते काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मतलब रास्तों में कोई भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ हमारी सिंगल बाइक स्कूटर हम लोग लेकर चले जा रहे हैं। देखो पूरा रास्ता अकेला और हमारी गाड़ी भी सिंगल ही है। ये देखो भाई जंगल में हम लोग कर रहे हैं मैगी फ्राई। और ये है रितेश, हमारा किचन में मैगी का ये पैकेट दिख रहा है आपको। ये देखो मैगी मसाला अभी डाल दिया है और ये देखो हमने स्टोव लगाया है। और बीच रास्ते में हम लोग रुके हैं भीमा शंकर। ये मैगी देखो हमारी पक रही है। झरना काफ़ी धीमी गति से निकलते हुए जा रहा है नीचे की ओर और हम आए अभी भीमा शंकर में। ये देखो भाई हमारी मैगी रेडी हो रही है। हमने लगाया हुआ है हमारा पर्सनल। रितेश ने डाल दिया सामान। भाई जल्दी बनो यार, भूख लग रही है तेज। तो भाई ये बन गई हमारी फटाफट से मैगी, पहाड़ों वाली मैगी भाई, पहाड़ों वाली मैगी। काफी लोग हमने बहुत पैसे खर्च किए पहाड़ों पे, लेकिन अब इस बार हमने खुद का पर्सनल मैगी मसाला विद मैगी विद स्टोव विद पूरे बर्तन उसका जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं सारी चीज़ें हमने कैरी कर रखी थी। और ये हमारा बैग किचन का और वो देखो उधर स्टोव हमने रख दिया है पैक करके। और इतना अच्छा व्यू था तो क्यों ना हम इस व्यू का मज़ा लेते और इस मैगी के साथ। आप देख सकते हैं ये गर्मा गर्म मैगी जो कुछ ही देर में ठंडी हो जाएगी भाई, तो जल्दी से ले लो रितेश, ठंडी हो जाएगी। नहीं तो टेस्ट करके देखो कैसा लग रहा है। यम्मी यम्मी। तो मैं भी टेस्ट करूँगा लेकिन पहले बैठूँगा यार यहाँ पर, क्योंकि शोर के साथ ये मैगी खाने का मज़ा ही कुछ और रहेगा। तो ये देखो मैंने रखी प्लेट नीचे और ये मैंने ले ली मैगी। हम्म,
थोड़ी तेज है लेकिन चलेगी, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। शोर से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग है एक ऐसे छोटे से झरने के पास जो है पहाड़ों पर बहुत ही खूबसूरत व्यू के साथ। रितेश ने अभी मैगी बना के खिलाई, बहुत ही अच्छा टेस्ट था रितेश, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी मैगी खिलाने के लिए। और साइड में ही हमने रास्ते में जो हाईवे पर रोड है उसके हाईवे पर हमने गाड़ी अपनी पार्क कर रखी थी ये, और नीचे फिर हम लोग गए थोड़ा सा उतर के क्योंकि झरना है यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा नीचे उतर के गए, वहाँ पर हमने बनाई मैगी, बहुत ही अच्छा टेस्ट था और बहुत ही अच्छी तरीके से मैगी पक भी गई थी। तो अब फिर से हम लोग हमारा राइड स्टार्ट करने वाले यहाँ से है 20 किलोमीटर भीमा शंकर मंदिर। तो देखो भाई पूरा फिर से खिल गया है, पूरा फॉग ही फॉग देखने मिल रहा है। चलो ये है NTPC भीमा शंकर रिसोर्ट और भक्त निवास, लोग ने सिर्फ रेट लिया और हम आगे जा रहे हैं मंदिर की ओर। अब आ गए हम लोग भीमा शंकर मंदिर के क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में, और ये देखो दोनों तरफ के पेड़ की वजह से काफ़ी सुंदर यहाँ पर व्यू हो रहा है। देखो भीमा शंकर मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर और दिखाई दे रहा है, और ये देखो भाई फॉग लैंप स्टार्ट हो रखे दिन में, दोपहर के 4 ही बज रहे हैं और यहाँ पर फॉग लैंप का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी। और हम लोग बस पहुँचने वाले हैं मंदिर के पास, और ये व्यू देखो यार भाई, पेड़ों के पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, पूरा फॉग ही फॉग देखने को मिल रहा है। और हमने यूट्यूब पर इसके पहले देखा था कि किसी ने वीडियो डाला था और कहा था कि मंदिर के आसपास गाड़ी नहीं जाती है, 5 किलोमीटर पहले आपको गाड़ी छोड़ना होता है, तो ये सारा गलत है। वो सिर्फ आप शिवरात्रि में आते हो या फिर ऐसे सीज़न में आते हो तभी आपको होगा, नहीं तो गाड़ी पूरा मंदिर तक जाती है, कोई भी व्हीकल आप मंदिर तक लेकर जा सकते हैं और ऐसे फॉगी व्यू का आप मज़ा ले सकते हैं। ये देखो भाई गाड़ी आ रही तो नज़र नहीं आ रही, ना हॉर्न बजा रहा कोई ना कुछ, ये देखो चारों तरफ लगी है यहाँ पर, और हम तो जाएंगे सीधा मंदिर के पास। ब्रो आमच्याकडे आहे भाऊ, आहे आमच्याकडे रेनकोट विकणार आहे, फिरता है रेनकोट बेचने वाले। ये देखो रास्ते में रेनकोट यहाँ पर मिलना शुरू हो गया है और बहुत लंबी लाइन भी यहाँ देखने को मिल रही है। हम जाएंगे तो उससे ये देखो भाई फॉग के साथ व्यू का मजा, और व्यू के साथ लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर। बस 1 किलोमीटर और पैदल चलना है उसके बाद में आ जाएगा मंदिर। तो ये बात सही है कि यूट्यूब पर जो हमने देखा था कि गाड़ी आपको 4 किलोमीटर पहले ही रोक देंगे फोर व्हीलर, और उसके बाद में आपको पैदल जाना होगा, तो ये फोर व्हीलर एक भी नहीं दिखाई दे रही। हाँ अभी एक फोर व्हीलर दिखी है और बाकी तो हमें पीछे रुका दी गई सभी फोर व्हीलर्स को, वहाँ पार्किंग में लगाना पड़ा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम हो रखा था, और हम लोग लेकर आ गए टू व्हीलर से क्योंकि टू व्हीलर अलाउड है और उसके साथ में पैदल लोग भी आ सक रहे हैं। भाई ये है भीमा शंकर मंदिर का बस स्टैंड, और ये देखो फॉग देखो भाई, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बस लगी है लेकिन बस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं दिखाता हूँ। ये देखो अंकल जी जा रहे हैं, उसके पीछे लाल परील खड़ी है, और ये रितेश यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये देखो 1200 में मैंने रूम देखी है, और वो है क्षितिज फैमिली रेस्टोरेंट और होटल। तो भाई भीमा शंकर होम स्टे के बाजू में ही हम लोग अब गाड़ी लगाने वाले हैं और फिर जाएंगे रूम की ओर। चलो तो मिल गया 1200 में हमें रूम, आओ वो उधर से आना, उधर चलता ना उधर होटल के पीछे, ये गली से रोड है, चल ले हेलमेट वेयर कर और चलते अपन रूम के अंदर। फिर सकाळी आपण किती वाजता आरती करू शकतो? 4:30 मंदिरात आरती करू शकतो, त्यानंतर मग आपण जर अभयारण्यामध्ये गेलो आतमध्ये तर किती वाजता जायचं? 8:00 सकाळीच ना, आता रात्री म्हणजे आता संध्याकाळी 5 नंतर जाणार म्हणजे ठीक नाही? ठीक नाही, खाली आहे की आतमध्ये आहे का थोडे मंदिर? अभयारण्य मंदिराच्या साईडने
तो भाई रूम हमने कर लिया है 1200 में। ये है भीमा शंकर में। रितेश ने देखो रूम देख लिया है भाई, पूरा नीला नीला दिख रहा है रितेश, तो जगमग जगमग। और ये छोटा सा कॉम्पैक्ट रूम देखो, 1200 रुपए इसका रेंट है भाई। और ये इसका कॉमन वॉशरूम, ये देखिए ठीक है 1200 रुपए के हिसाब से कॉमन वॉशरूम है। और हीटर अभी लगा दिया है गर्म पानी के लिए, और बाहर तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये है यहाँ पर ही हमें रूम देखना है तो काफ़ी महंगे होटल है यार यहाँ पर। ये देखो 2500 रुपये बोल रहे इसका, इसमें पर्सनल अटैच सनस बाथरूम भी, तो ठीक है 1200 रुपये भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग हैं सोलो ट्रैवलर। ये देखो हाय, चलो बस स्टैंड यहाँ से दिख रहा है, बस स्टैंड के पीछे। देखिए बाहर का व्यू कुछ भी नज़र नहीं आ रहा रास्ते से। और अब हम जाएंगे फ्रेश होने के लिए, और फ्रेश होके निकलेंगे दर्शन करने के लिए। ये दिख रहा है आपको सामने होटल क्षितिज प्योर वेज और रेस्टोरेंट, जो भीमा शंकर में गली के अंदर है। रितेश कहाँ गया भाई? देखो रितेश कितना दूर आ गया। तो यहाँ है हमारा होटल, और इधर है बस स्टैंड, और इधर जाएगा ये मंदिर की ओर। तो यहाँ पर ही अपने को एक धर्मशाला भी देखने को मिलती है, देखिए धर्मशाला विट्ठल मंदिर के पास। तो हम लोग धर्मशाला में भी गए थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा होने की वजह से हमने होटल बुक कर लिया। आने इधर आ तो गाड़ी। शाम का वक्त है, 6 बज चुके हैं, और हम लोग निकल दर्शन करने के लिए। तो भाई ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से हमें एंटर करना है। और फॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है। ये है पार्किंग जो पूरा फुल हो गया है। चलो अब जाते हैं हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर। ये देखो भाई हम लोग आ गए मंदिर के अंदर, और इतनी ज़्यादा लाइन लगी रहती है यहाँ पर, और यहाँ से 1 घंटे का हमें जाना होगा। और ये देखो कितनी लंबी लाइन है भाई। हम लोग पूरी सीढ़ियाँ चल के आ रहे हैं नीचे। ये है VIP लाइन, और ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये आपको फ्री वाले दर्शन वाली लाइन है। तो ये आ गए हम लोग मुख्य मंदिर के सामने। ये देखिए जय महादेव, जय भीमा शंकर महादेव, दर्शन पास रांग। अच्छा ये फ्री वाली लाइन है, और इधर है पेड़ वाली लाइन। ये देखो भाई लाइन आपको दिख रही होगी, और ये है भीमा शंकर मंदिर जो है पूना में मंदिर के पास। और ये दत्ता मंदिर यहाँ पर भीमा शंकर में। रश काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, हर हर महादेव। तो मंदिर दर्शन के लिए हमने पास नहीं लिया, हम लोग लगे हैं फ्री वाले लाइन में, दर्शन लाइन में। और यहाँ से आपको जाना है दर्शन के लिए, तो मेरे बीच में आपको दिख रहा है दर्शन की लाइन, जहाँ पर काफ़ी कम लाइन है, जो आप डायरेक्ट ही जाकर दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पीछे मंदिर, ये देखिए भीमा शंकर मंदिर का व्यू। तो करीब आधा 1 घंटा लग जाएगा हमें लाइन में लग के दर्शन करने के लिए। और अगर VIP पास ले रहे हैं तो 300 रुपये प्रति आपको दिया जाएगा टिकट, फिर डायरेक्ट एंट्री होगा VIP दर्शन करने के लिए। चलो भाई अभी हम चलते हैं लाइन वाली दर्शन करने के लिए। इतनी लंबी लाइन चलने के बाद आखिरकार हम लोग मंदिर के पास पहुंच ही गए। और मंदिर के पास पहुंचे तो क्या देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा रश एक साथ हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए बहुत सारी यहाँ पर ग्रिल लगा रखी है, और वन बाय वन यहाँ पर दर्शन आगे बढ़ते जा रहे हैं, और दर्शन के लिए ये रश बढ़ते जा रहा है। ये है रितेश, और रितेश भी कर रहा है हमारे साथ फ्री वाले दर्शन लाइन में दर्शन। ये देखो भाई जय श्री महाकाल, जय महादेव।
दर्शन के हम लोग सेकंड लाइन में आ गए, फिर जाएंगे थर्ड लाइन और फिर अंदर दर्शन के लिए। तो यहाँ है मंदिर, बोलो जय भोलेनाथ। तो भाई ये आ गए हम लोग मंदिर के अंदर, एंट्री कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर लिखा है वीडियो और फोटो निकालना मना है, तो अब मैं यहाँ से फोटो और वीडियो नहीं निकालूंगा। ये है मंदिर और ये आपको मंदिर का मुख्य द्वार दिख रहा है, ये देखो LCD लगी है, वहाँ से हमें अंदर जाना है और उधर ही ज्योतिर्लिंग है। तो जय बाबा भोलेनाथ। हम करने वाले हैं दर्शन, यहाँ से वीडियो फोटो लेना है, इसलिए और 10 मिनट के बाद हमारा दर्शन हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, लाइक दर्शन करने के बाद हम लोग आते हैं बाहर। और ये देखिए भाई घंटी जो है 1727 की ये बेल हमें देखने को मिल रही है, और मंदिर काफ़ी पुराना है ये, श्री शनि शनेश्वराय नमः शनि मंदिर। और ये देखें सामने, तो हर हर महादेव हमने दर्शन कर लिए हैं। मंदिर दर्शन होने के बाद मंदिर से बाहर जाते वक्त हमें नंदी भगवान की मूर्ति दिखती है, वो भी दो एक साथ, मैं पहली बार देख रहा हूँ जो भीमा शंकर में हमें देखने को मिल रही। और यहाँ से एग्जिट का बोर्ड लगा है, श्री क्षेत्र भीमा शंकर संस्थान। और ये रास्ता पता नहीं कहाँ जा रहा है एग्जिट। मंदिर से बाहर आने के बाद हमें यहाँ पर दिखाई देता है एक कुंड, जो काफ़ी गहरा और बड़ा भी देखने को मिल रहा है, पानी काफ़ी स्वच्छ यहाँ देखने को मिल रहा है पूरा। और शाम होने को है, 7:05 हो गए, लेकिन फिर भी पूरा दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी कुंड से यहाँ से ये देखिए झरना बनते हुए जा रहा है नीचे की ओर। जय श्री महादेव। ये मंदिर के गेट के बाजू में यहाँ वन क्षेत्र अधिकारी भीमा शंकर अभयारण्य का बोर्ड लगा हुआ है, और ये है अभयारण्य का मेन एंट्री जो अभी बंद हो रखा है। भाई बंद तो नहीं, अभी लोग जा रहे हैं, लेकिन अभी जाना सही नहीं है ऐसा हमें होटल वाले, जंगल है, आप जंगल में अभी मत जाइए, में ही निकलना ज़्यादा सही रहेगा। तो ये इधर साइड हम मंदिर से अभी आगे बाहर, और यह है अभयारण्य, और इधर जाएगा होटल की ओर। तो अब हम जा रहे हैं होटल की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉग होने की वजह से अंधेरा भी होते आ गया और कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे। तो अब हम जाएंगे अपने होटल की ओर और खाएंगे खाना। क्षितिज में हम लोग आए हैं, जहाँ हमने अपना रूम किया है वहाँ पर ही। ये 120 रुपये थाली का यहाँ पर खाना, देखिए इसमें शेव भाजी है, रोटी चपाती है, दाल है और बटाने की सब्जी है। तो 120 रुपये में काफ़ी अच्छा खाना हम लोग भीमा शंकर में। बहुत अच्छा यहाँ टेस्ट है, क्योंकि अभी हम लोग गए महाराष्ट्र में, टेस्ट अच्छा बनता ही है।